अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नासिर सलीम, आई एम फ्रॉम द एड्रेस रियल इस्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के अंदर। इसके अंदर से अगर आप रेजिडेंशियल हवाले से 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स अगर देख रहे हैं तो उसके अंदर कौन सा प्रेशन अभी सबसे बेस्ट जा रहा है? अगर आप इंटरेस्ट की बात करें तो सबसे पहले तो ओवरसीज़ ब्लॉक है जो कि प्रेशन वन है, डेफिनेटली वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी ज़्यादा है और उसके अमाउंट रेट भी एज़ कम्पेयर टू दिस अदर जितने भी प्रेसेंट्स हैं उसके हवाले से ज़्यादा है। लेकिन अगर आप बहरिया को थोड़ा सा क्या कहते हैं उसके अंदर भी आप आते जाते कुछ उसको देखना चाहते हैं या फिर कोई ऐसी हाइटेड लोकेशन, तो उसके हवाले से सबसे बेहतरीन जो प्रेसेंट है वो प्रेसेंट 8 है जो कि ऑलमोस्ट तकरीबन जो है 7 से 8 किलोमीटर है बहरिया के मेन गेट से और तकरीबन आपको 8 से 10 मिनट वहाँ पे पहुँचते हुए लगेंगे। लेकिन ये कि आप जब तक वहाँ पे बहरिया के प्रेशन डेट तक पहुँचते हैं तो आपको काफ़ी सारी जो अट्रैक्शन मिलती है रास्ते के अंदर, और डेफिनेटली अब आप बहरिया के अंदर आ रहे हैं तो आपको जो है उसकी थोड़ी सी जो है विज़िट भी करना चाहिए कि ना कि आप डायरेक्ट इंटर हुए और वहाँ से एग्जिट हो गए। तो जिनके लिए अगर थोड़ी सी अट्रैक्शन भी देखना चाह रहे हैं तो वो उसके लिए सबसे बेस्ट जो है प्रेशन 8 है और वहाँ पे जो है काफ़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन भी हो रही है अभी राइट एज ऑफ टुडे, वहाँ की कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से हो रही है। प्लस इसके अलावा उसकी वैल्यूएशन जो है वो पेशेंट 1 और पेशेंट 8 की सेम है, 1,12,00,000 FBR वैल्यू एज़ पर FBR वैल्यू जो है उसकी प्राइस पेशेंट 1 और पेशेंट 8 की जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दूसरे पेशेंट जितने भी हैं, क्योंकि वहाँ की वैल्यू जो है जो जिस पे वो लॉन्च हुए थे वही है, लेकिन पेशेंट 1 और 8 की जो है FBR वैल्यू 250 स्क्वायर यार्ड की 1,12,50,000 है। तो ये आपके साथ मैंने एक चीज़ शेयर करनी थी। प्लस इसके अलावा डेफिनेटली अगर आप इसको ट्रांसफ़र और टैक्स की जब बात जाएगी तो वो भी थोड़ी सी इसकी ज़्यादा होगी, लेकिन ये कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से 250 स्क्वायर यार्ड का बेस्ट प्रेजेंट है और हाइटेड लोकेशन पर है मोस्टली। इसके कुछ प्रेजेंट जो है कुछ प्लॉट जो हैं वो थोड़ा ढलान की तरफ हैं और इसके अंदर डेप्रिसिएशन वाले प्लॉट भी हैं जिसको खड्डे के प्लॉट कहते हैं और बहुत से लोग इसको जो है बेसमेंट के प्लॉट भी कहते हैं। अगर आपने बेसमेंट के लिए लेना है तो यहाँ पे भी बेसमेंट के हवाले से बहुत सारी अच्छी लोकेशन है जहाँ पे आप अपनी बेसमेंट भी बना सकते हैं ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर, तो ये कि आपको ग्राउंड प्लस 2 जो है वो मिल जाएंगे इसके अंदर। और डेफिनेटली जैसे आपको मैंने बताया अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे जैसे बहरिया हाइट्स के जो लेफ़्ट साइड पर है वो सारे प्लॉट जो हैं वो लेवल वाले प्लॉट हैं और हाइटेड प्लॉट हैं, और अगर आप जैसे अशर राउंड अबाउट है इसके बिल्कुल जो सामने एरिया पड़ता है इसकी तरफ जाएंगे तो ये सारे जो हैं वो थोड़े नीचे की तरफ आते हैं और ढलान की तरफ हैं ये सारे। और इसकी जो अगर आप क्या कहते हैं प्लॉट लेंगे तो अभी करंट मार्केट वैल्यू भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, प्लस इसके अलावा इसकी जो लोकेशन तो मैंने आपको बता ही दी है तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर और तकरीबन आपको पर मिनट जो है 1 किलोमीटर लगता है अगर आप गेट से यहाँ तक आते हैं तो 8 से 10 मिनट ही आपको यहाँ पे पहुँचते हुए लगेंगे। प्लस इसके अलावा ये कि बहुत अट्रैक्शन ये एक आपके लिए बहरिया हाइट्स के अंदर जो है नीचे शॉप्स हैं हर टावर के अंदर 8 टावर हैं और हर टावर के नीचे शॉप्स हैं, तो यहाँ पर आपको जो है बहुत आसानी होगी अगर कुछ मार्केट के लिए अगर कुछ आपको जो है लेना है तो मार्केट भी यहाँ से आपको करीब है, और अगर आप किसी बड़ी मार्केट की तरफ जाना चाहते हैं तो वो 10A के अंदर आपको ऑलरेडी एक सुपर स्टोर है, प्लस इसके अलावा वहाँ पे गैलरी भी है। तो प्लस मस्जिद तो यहाँ की अभी प्रेशन रेट की बन अभी उन्होंने इफ्तिताह कर दिया है लेकिन अभी वो कुछ अर्से के अंदर उसके जो है कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाएगी, लेकिन बहुत से जो है डेवलपमेंट जो है यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से हो रही है कंस्ट्रक्शन भी प्लॉट्स की भी, और यहाँ पे अभी जो 250 स्क्वायर यार्ड्स के जो प्लॉट्स हैं उनकी करंट मार्केट वैल्यू मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन इसके अभी जो क्या कहते हैं ट्रांसफ़र और टैक्स का भी मैंने आपको बता दिया, बायर 7% और सेलर जो है वो 4% देगा नॉन फाइलर पे, और अगर आप ओवरसीज़ हैं तो ओवरसीज़ के अंदर जो है इसका वही बायर है सेलर है तो सेम रेट है 2%, और इसकी ऑफिशियल अमाउंट आपसे मैंने शेयर कर दी है प्लस डिस्टेंस भी शेयर कर दिया है। प्लॉट साइज़ इसके मैं आपके साथ शेयर कर दूं 35x70 इसकी जो है डायमेंशन होंगी, और अगर आप इसको जो है क्या कहते हैं इन फ्यूचर अगर आप इस पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं
उसके हवाले से भी, और अगर आप यहाँ पर रिहाइश करना चाह रहे हैं तो ये ज़्यादा बेहतर आपके रिहाइश के लिए है अगर आप यहाँ पर रिहाइश करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप इस पर इन्वेस्ट भी करते हैं तो फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। और अगर प्लॉट लेके आप यहाँ पे आप इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन में तो डेफिनेटली आप अगर इस पर कंस्ट्रक्ट करेंगे, जब तक आपकी ये कंस्ट्रक्ट होगी तो ये इसकी वैल्यू ऑलरेडी जो है 20-25 से 30% आपकी ये वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको जो है वो ज़्यादा बेनिफिट है। और इसके अलावा अगर आप रहते हुए आप ख़ुद भी रहना चाहें तो वो तो आपके बेनिफिट होगा ही, प्लस इसके अलावा अगर आप खुद नहीं रहना चाहते तो आप इसको जो है रेंट पे भी दे सकते हैं ऑलरेडी। और इसके यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिटर्न है, अराउंड तकरीबन 1 के करीब आपको जो है इसका रेंट भी मिल जाएगा एज ऑफ टुडे। और जैसे ही आप इसके इंटर होते हैं तो यहाँ पे इंट्रेंस वाले जो प्लॉट हैं वो डेफिनेटली आपको ज़्यादा थोड़े से महंगे मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी बैक साइड पे जाते रहेंगे, डिप्रिसिएशन वाली साइड पे जाते रहेंगे, तो वहाँ पे आपको प्लॉट काफ़ी सस्ते भी मिल जाएंगे। इसकी जो एक और चीज़ आपके साथ मैंने शेयर करनी थी, ग्राउंड प्लस वन फ्लोर ही होगा। और अगर आप इसकी जो है क्या कहते हैं मार्केट वैल्यू कन्फर्म करना चाह रहे हैं तो राइट नाउ इसकी जो करंट मार्केट प्राइस है वो 1 करोड़ 25 लाख 20 लाख के भी आपको जो है प्लॉट मिल जाएंगे सस्ते वाले, इवन के इससे भी कुछ कम में मिल जाएंगे जो डेप्रिसिएशन वाले प्लॉट हैं। और अगर आप महंगे की तरफ, जैसे अगर आप हाई एंड की तरफ जाते हैं जो कि लेवल वाले प्लॉट होंगे, और क्या कहते हैं अगर कैटेगरी प्लॉट होंगे तो वो डेफिनेटली उसके रेट भी ज़्यादा होंगे, वो आपको जो है 1.5 करोड़ से लेके 1.6 करोड़ के दरमियान आपको मिलेंगे, जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा लैंड भी मिलेगी, कॉर्नर कैटेगरी होगी, जैसे अगर रोड के प्लॉट हैं तो उसके आपको जो है 60 और 80 वाइड रोड भी मिल जाता है। और अगर आप गली की स्ट्रीट की तरफ जाएंगे तो वो आपको 40 वाइड पे रोड पे मिलेंगे, जो कि काफ़ी बाकी जितने भी प्रीसेंट्स हैं सबके अंदर 40 वाइड रोड स्ट्रीट्स होती हैं, लेकिन 60 वाइड रोड के थोड़े से प्लॉट जो हैं वो महंगे मिलते हैं, क्योंकि आपको जो एक्स्ट्रा 10% भी उसके अंदर पे करना पड़ता है जो भी उसकी वैल्यू होती है। और अगर आप कॉर्नर कैटेगरी और पार्क फेस वगैरह की तरफ जाएंगे तो भी उसके अंदर आपको जो है 10% एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कि अगर तीनों कैटेगरी हैं तो आपको 30% एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और अगर इसके साथ ही इसके अंदर एक्स्ट्रा लैंड लगती है तो एक्स्ट्रा लैंड के आपको 12,000 जो है वो पर स्क्वायर फिट के हिसाब से, स्क्वायर यार्ड के हिसाब से जो है वो पे करने पड़ेंगे। तो आप उसकी जो है कैलकुलेशन उसी के हिसाब से कर सकते हैं कि आपको जो है प्लॉट कितने का पड़ रहा है। और ट्रांसफ़र वगैरह के फ़ीस जो है मैंने आपको इसके साथ शेयर कर दूँ, 250 स्क्वायर यार्ड की जो ट्रांसफ़र फ़ीस है वो 89,000 है, और टैक्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। प्लस इसके अलावा अगर आप नॉर्मल इसकी जो डेज़ हैं 10 to 15 days के अंदर आप इसको जो है ट्रांसफ़र ले सकते हैं, और अगर आप इसके अंदर कोई परचेजिंग वगैरह करना चाह रहे हैं प्रेशन 8 के अंदर प्लॉट या विला तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास इसके कुछ ऑप्शंस आए हुए हैं ऑलरेडी, प्लॉट्स के भी हैं और विला के अंदर भी जो है कुछ ऑप्शंस पड़े हुए हैं, तो आई विल बी डेफिनेटली हैप्पी टू हेल्प यू आउट इसके हवाले से। और अगर आप इसके अंदर जो है विलास की तरफ जाते हैं तो ये आपको विला तकरीबन 3.5 करोड़ से लेके, वही डेफिनेटली अगर आप इसकी जो है कैटेगरी की तरफ जाते रहेंगे तो इसकी जो है प्राइसेस थोड़े से इंक्रीज़ होते रहेंगे। तो ये चीज़ आपके साथ मैंने शेयर करनी थी प्रेशन 8 के हवाले से, बहुत अच्छा प्रेशन है रिहाइश के हवाले से। तो किसी भी किस्म की फ़र्दर इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, या आप अपना प्लॉट वगैरह या कोई विला वगैरह सेल करना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।